अस्सलाम वालेकुम, एनके जायका में आपका स्वागत है। आइए आज हम झटपट सी बनने वाली रेसिपी भिंडी कुरकुरी मसाला बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली है। देखते हैं, ये भिंडी को मैंने एक भिंडी से मैंने 8 पीसेस काट लिए हैं। इस टाइप से भिंडी लेंगे हम, 1/4 किलो हमने भिंडी ली है। बेसन, उसके बाद है सॉल्ट, अमचूर पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और क्या है ये रेड चिली पाउडर। चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं भिंडी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने एक पैन लूँगी, पैन में मैं डालूँगी तेल, मैंने पहले से ही डाल के रखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, हमने इसमें ज़ीरा ऐड किए हैं। साथ ही हम इसमें करेंगे हल्दी पाउडर, हमने डाल दिया। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी, इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। छोड़ देते हैं, ठीक है, पॉज कर। हम देखते हैं अभी, ये देखिए ये हमारी भिंडी 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। इसको हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब हम इसमें सभी सूखे मसाले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, अमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ ही में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप देख के ऐड कीजिए, क्योंकि अमचूर में भी थोड़ा नमक सॉल्टी टाइप्स होता है। और इसके साथ ही हम इसमें मिला लेंगे 2 चम्मच हमारा बेसन। अब इन सबको अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट के लिए हम इसको स्लो आंच पे दम होने के लिए रखते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमने इसको 4-5 मिनट के लिए हम लोग ने इसको ढक के रख दिया था। अभी हम तेज आंच पे इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी झटपट से भिंडी मसाला कुरकुरी जो है वह बनकर तैयार हो गई है। इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत, आप इसको रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं। अब ये क्यू, ये आप देख सकते हैं हमारी झटपट सी जो है भिंडी मसाला बनके तैयार हो गया है। इसको हम सर्व करते हैं। ये बहुत ही खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। आप इसको रोटी के साथ में, चावल दाल चावल के साथ में, इसी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें।